हेलो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। भाई आज मैं आपके लिए ये वाली कार लेके आया हूँ, मतलब सेकंड हैंड ऑप्शन में अवेलेबल है ये वाली कार। जो भी भाई हमारे ऐसे हैं जिन्हें कम बजट में एक बहुत अच्छी बढ़िया कंडीशन की कार चाहिए, जैसे कि सीखने के लिए एंड अपने टाउन शहर में अच्छे से चलाने वलाने के लिए थोड़े कम बजट वाली कार चाहिए, तो भाई ये बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत ही अच्छे कम बजट में और बहुत ही बढ़िया कंडीशन की कार मिलने वाली है। सेकंड ओनर गाड़ी है। गाड़ी की सारी स्पेसिफिकेशन सबसे पहले मैं बता देता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। 2008 मॉडल है, 2008 का थर्ड मंथ तीसरे महीने का ये मॉडल है। 2008 DL नंबर है और HSRP नंबर वाली प्लेट इसके ऊपर इंस्टॉल मिलने वाली है आपको। और भाई ये तो मैं आपको फ्रंट दिखा रहा हूँ इस कार का, मतलब ये तो फ्रंट से ऐसी दिखती है। और इसके जो आस्किंग प्राइस हैं ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में एंड में बता दूंगा, तो भाई वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखें भाई वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दें। तो भाई साइड प्रोफाइल दिखाने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले मैं आपको। तो भाई साइड प्रोफाइल से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो भाई साइड प्रोफाइल देख लो आप कुछ इस तरीके की है। मतलब गाड़ी में 2008 मॉडल, थोड़ा बहुत काम मिलेगा आपको पेंट वेंट का, जैसे कि यहाँ से आप पीछे से देख रहे हो, मतलब थोड़ा सा पेंट का यहाँ से टुकड़ा थोड़ा सा हटा हुआ है, पुरानी हो रखी है इसलिए, बस और कुछ भी नहीं है। गाड़ी में इंजन में कोई वर्क नहीं है, किसी भी चीज़ में कोई वर्क नहीं है, आपको सिर्फ पेंट वर्क कराने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा, जो कि आपको हल्का फुल्का सा कोई भी आप सेकंड हैंड कार लेते हैं तो भाई इसमें थोड़ा बहुत कराने की जरूरत पड़ती है। ठीक है भाई, मैंने साइड प्रोफाइल दिखा दी, फ्रंट दिखा देता हूँ सही से। वैसे फ्रंट भी मैं आपको दिखा चुका हूँ एक बार, इस तरीके से और देख लो आप। मतलब स्पार्क है, शेवलेट वालों की स्पार्क कार है ये, 2008 मॉडल। ठीक है भाई, DL नंबर, सेकंड ओनर गाड़ी है। इस साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, गाड़ी के अंदर अपना एक भाई बैठा है। इस साइड से आप देखना चाहें तो भाई इस साइड से कुछ इस तरीके की कंडीशन मिलने वाली है आपको कार की। भाई इसके जो मतलब ये व्हील कवर है ना, ये चलाते वक्त अभी निकल गया, ये मुझसे ही निकला, इस तरफ का भी उस तरफ का भी। हम चला रहे थे तो तेज चला रहे थे गाड़ी, ये निकल जाते हैं, मतलब जब गाड़ी स्पीड पे चलती है ना तो ये निकल के चले जाते हैं। तो आपको ये इसमें कोई समझना भाई कोई गलत बात, मतलब गाड़ी में कोई भी काम नहीं है सिर्फ पेंट वर्क के अलावा। पेंट वर्क का ही काम है गाड़ी के अंदर, ये तो मैंने आपको बाहर से दिखा दिया, पीछे से प्रोफाइल और दिखा देता हूँ। पीछे से कुछ इस तरीके की होने वाली है गाड़ी। भाई 2008 मॉडल शेवरलेट स्पार्क, बहुत ज़्यादा पावरफुल अच्छी गाड़ी है। और भाई मैं एक बात और बता दूँ, अगर कोई भाई ये चाह रहे हो कि भाई CNG पे है गाड़ी, CNG पे नहीं है, प्योर पेट्रोल पे है। रॉकेट पिकअप मिलने वाला है गाड़ी का आपको, प्योर पेट्रोल गाड़ी मिलने वाली है। और फर्स्ट सेकंड ओनर गाड़ी है ये भाई, प्योर पेट्रोल चली हुई कितने वो भी सब चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको, अब लेके चलता हूँ आपको गाड़ी के अंदर। यहाँ पे देखो भाई, सबसे पहले इसमें 4 पावर विंडो स्विचेस अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि शेवरलेट स्पार्क में 2007 या 8-9 मॉडल में भी कुछ ऐसे मॉडल हैं जिनमें आपको 4 पावर विंडोज़ अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो भाई इसमें आपको 4 पावर विंडो मिलने वाली है। इंटीरियर की बात करो तो भाई इंटीरियर देख लो, मतलब स्पेस के मामले में बहुत ज़्यादा बढ़िया है वाली गाड़ी। दिखने में बाहर से छोटी लगती है मगर अंदर से जो स्पेस है ना इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गाड़ी। पावर स्टेयरिंग सब कुछ इसके अंदर मिलने वाला है। AC बहुत कूल है यार इसको, मतलब बहुत ही ज़्यादा चिल्ड करता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्पेस के मामले में बहुत अच्छी गाड़ी। मैं बैठ जाता हूँ इसमें, तो इसमें भाई जो AC के बारे में मैं आपको बता चुका, इसमें जो आपको ये मिलने वाला है स्टीरियो, ठीक है भाई, ब्लूटूथ नहीं है, ऑक्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसके स्पेस की भी बात करूँ ना भाई, यहाँ पे आप सामान वामान रखो, यहाँ पे आपको 2 कप यहाँ पे मिल जाते हैं, स्पेस मिल जाता है कप रखने के लिए, यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाता है, कॉइन्स वगैरह फ़ोन वोन रख सकते हो आप, यहाँ भी थोड़ा स्पेस मिल जाता है आपको ये वाला तो। और भाई एक पीछे के लिए यहाँ पे भी आपको ग्लास रखने के लिए यहाँ पे भी स्पेस मिल जाता है। और भाई ये जो इसका ये वाला मतलब डिज़ाइन है ना डैशबोर्ड का, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाते हैं, ठीक है भाई, और आपको 2 स्पीकर पीछे भी मिलते हैं। और आपको दरवाजे पे दिखाना चाहूँ भाई, यहाँ पे भी स्पेस बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है यहाँ पर एंड तक, मतलब जो इसकी डेप्थ है ना वो भी बहुत अच्छी है, और ये लेंथ जो है इसकी वो भी बहुत अच्छी है। और अगर मैं इसके ग्लोव बॉक्स की बात करूँ आपको दिखाऊँ तो भाई इसका ग्लोव बॉक्स देख लो, मैंने काफ़ी सारा सामान रखा हुआ, मतलब बहुत ही बढ़िया। ठीक है भाई, सारी चीज़ें वर्किंग है इस कार की, हर चीज़ ऑल पार्ट वर्किंग है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भाई आपको ये वैनिटी मिरर भी मिल जाती है, मिरर तो नहीं है, कार्ड होल्डर वगैरह रख सकते हैं। इसमें एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको, ये जो हमारा होल्डर होता है ना, मतलब गाड़ी को जैसे कोई बैठता है पीछे तो भाई ऊपर से होल्ड करके रख लेते, तो इसमें भाई आप कोई भी अपने चश्मा वगैरह या कोई कार्ड वार्ड रखना चाहे बड़ा ईजी इसमें आप सेव करके रख सकते हैं। देखो भाई कितना ज़्यादा बढ़िया है। अब मैं आपको पीछे से और दिखा देता हूँ, पीछे की सीट वगैरह। तो भाई मैंने गेट खोल दिया, पीछे से देखो भाई इसमें लेग रूम, हेड रूम, मुझे तो भाई कोई भी इशू आता नहीं है। 5 फुट 8 इंच मेरी हाइट है और मुझे कोई भी इशू नहीं आता इसमें गाड़ी में, भाई इन्हें चलाने में ना पीछे बैठने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। मैं आपको उसका बूट स्पेस और दिखाना चाहूँगा, भाई बूट स्पेस देखो आप, अगर भाई मैं आपको उसका बूट स्पेस की बात करूँ तो ये देखो भाई, अभी तो मतलब मैंने सामान वामान रख रखा है इस, ये तो मैंने ऊपर ही रख रखा भाई, इसके नीचे ना ये देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये मैट है और मैट के नीचे भी स्पेस है, मतलब मैं इसको हटा के तो नहीं दिखा पाऊँगा यार, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। इसके नेट मैट जो बिछा हुआ है इसके नीचे भी काफ़ी स्पेस है, तो भाई गाड़ी में ना कोई गलावट है ना कुछ है, मतलब पूरा देख लो यार आप, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में 2008 मॉडल मिलने वाला है।
अब भाई मैं अगर इसके प्राइसिंग की बात करता हूँ तो भाई इसका प्राइस क्या होने वाला है मैं आपको वो बता देता हूँ। 2008 मॉडल सेकंड ओनर गाड़ी है, और अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूँ, इसके आस्किंग प्राइस है भाई 75,000, 75,000 रुपये ओनली, 75,000 रुपये में ये आपको मिलने वाली है। और भाई जो इस कार के ओनर है उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप कॉल करो और डायरेक्ट बात करो भाई, डायरेक्ट खरीद लो आप गाड़ी। आपको नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक जरूर कर दे।